बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन 75 साल के हो गए हैं। उनका जन्मदिन उनके फैंस काफी धूमधाम से मना रहे हैं। इस बार अमिताभ अपना जन्मदिन परिवार के साथ मालदीव में मनाएंगे। आइए आपको बताते हैं अमिताभ और जया बच्चन की लव स्टोरी के कुछ किस्से। अमिताभ ने बॉलीवुड की जो ऊंचाई छुई उसका क्रेडिट उनकी वाइफ जया बच्चन को जाता है। एक वक्त था जब अमिताभ के साथ काम करने को कोई एक्ट्रेस तैयार नहीं थी, तब जया ने उनके साथ काम किया। शादी से पहले अमिताभ और जया ने करीब 4 साल डेटिंग की। फिल्म जंजीर हिट हुई तो अमिताभ ने लंदन के एयर टिकट बुक करा दिए। इसके बाद जब अमिताभ बच्चन ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन से जया बच्चन को साथ लंदन ले जाने की बात कही तो डॉक्टर बच्चन ने साफ शब्दों में कहा कि पहले शादी करो फिर जया के साथ विदेश घूमने जाओ। इसके कारण दोनों ने 3 जून 1973 को शादी कर ली, जिसके बाद दोनों लंदन घूमने निकल गए। बेहद सादे समारोह में अमिताभ ने जया के साथ 7 फेरे लिए। 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पर ये शादी इतनी गोपनीय ढंग से हुई कि इसकी खबर पड़ोसियों तक को कई दिनों बाद लगी। शादी के अगले ही दिन जया और अमिताभ 3 सप्ताह के लिए लंदन चले गए थे। अमिताभ की बारात में हरिवंश राय बच्चन सहित केवल 5 लोग आए थे। बारातियों में फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से केवल गुलजार थे तो वहीं जया की ओर से उनके मम्मी पापा और बहनों के अलावा असरानी और फरीदा जलाल बारात के स्वागत के लिए पहुंचे थे। अमिताभ के उन दिनों मीडिया से काफी अच्छे रिश्ते थे और उन्होंने खुद ही अपनी और जया की शादी की बात मीडिया को बताई थी। अमिताभ उस दौरान स्ट्रगल कर रहे थे। नाकामी और परेशानी के उन दिनों में जया अमिताभ के साथ साए की तरह बनी रही थी। अमिताभ और जया का 44 साल का साथ है। हर अच्छे और बुरे वक्त पर जया अमिताभ के लिए पिलर बनकर खड़ी रही है।